नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। द यूथ फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा अलीगंज स्थित कला स्रोत में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज की सांसद डिंपल यादव सम्मिलित हुई। डिंपल यादव ने प्रदर्शनी का रिबन काट कर शुभारंभ किया, साथ ही प्रदर्शनी में लगे सभी चित्र को देखा और जाना। चार दिवसीय इस में प्रदर्शनी में आज पहला दिन था। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शन का समापन 22 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। वहीं आयोजन के बारे में सांसद डिंपल यादव ने कहा, यूथ के द्वारा ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। हमें सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जरगाम रिजवी की रिपोर्ट, लखनऊ। के नाम 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पूरे देश में मातम का माहौल हो गया था। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के चहेते थे अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं उनके निधन के बाद से ही अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी एक शाम अटल के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की संपूर्ण जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में श्रद्धे अटल जी के संघर्षों से लेकर उनके यशस्वी कालखंड तक के संपूर्ण घटनाओं को रेखांकित किया गया। वहीं क्षेत्रीय सभासद ने जलाशय पास का नाम बदलकर अटल चौक कर देखिए नगर निगम को पत्र लिखा। नगर निगम से स्वीकृति मिलने के बाद जलाशय अंडरपास कान अटल चौक बन जाएगा। जरगाम रिजवी की रिपोर्ट। मैं शिवपाल सामरिया, पार्षद भारतीय जनता पार्टी से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच में हम सबके नेता और विश्व के नेता और सभी समाजों के नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न थे, वो हमारे बीच में नहीं है। तो उसी कड़ी में पूरा देश जब शोक की लहर में डूबा हुआ है, तो हम लोगों ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जगह चयनित की, अंडरपास की आलम नगर में, जहाँ पर एक अटल पथ, अटल चौक के रूप में भी ये प्रस्तावित होने जा रहा है। हमारी नगर निगम से हम लोग जाएंगे इस पे और अटल चौक के नाम से ये जो अंडरपास है ये जाना जाएगा, क्योंकि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजाजीपुरम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। राजाजीपुरम जब भी वो लखनऊ आए, वो राजाजीपुरम में ज़रूर आए। और राजाजीपुरम में जो पंडित दीनदयाल डिग्री कॉलेज है, या रानी छिबाई हॉस्पिटल है, या आपका स्टेडियम है, ये कुछ जो चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है, जिसकी वजह से आज यहाँ की लड़कियाँ डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, यहीं पढ़ती हैं। तो हम सब आज प्रार्थना कर रहे हैं कि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब मानव रूप में तो नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप में जो ये नया युग शुरू हुआ है, अब उनका अटल का वैचारिक युग शुरू होगा। लोग, हमारे युवा साथी, आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे कि युवा साथी उनके विचारों से आगे बढ़ेंगे और समाज में एक ऐसा माहौल देंगे कि नए भारत का निर्माण होगा, जिसकी परिकल्पना हमारे लखनऊ SSP ने शहादतगंज थाने का अचौक निरीक्षण किया। बकरीद और रक्षाबंधन के पर्व को मद्देनजर रखते हुए SSP लखनऊ कला निधि नैथानी शहादतगंज थाने का अचौक निरीक्षण किया। वहीं परिसर में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई। कहा, थाने की सफाई के लिए एक दिन सभी पुलिसकर्मी श्रमदान करें। थाने में कप्तान को देख पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। SSP ने गार्ड फाइल, अपराध रजिस्टर, अभिलेखों को भी चेक किया। वहीं ईद उल अजहा बकरीद के संबंध में तैयार बुकलेट के बारे में प्रभारी निरीक्षकों से पूछताछ की। उसके क्षेत्र के संबंध में बुकलेट में दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में पूछा। इसके साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई करने के लिए श्रमदान करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर SSP के साथ SSP पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे। जरगाम रिजवी की रिपोर्ट, लखनऊ। पुलिस की देखिए बृहद तैयारियां यहां पर हैं,
और जो हमारी मेन ईदगाह होती है उस पर विस्तृत पुलिस प्रबंध रहेगा। इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट भी होता है ईदगाह तक, उसके लिए अलग से ट्रैफिक डाइवर्जन्स और रूट ड्यूटीज हमारी रहेंगी। कई कंपनी पैरामिलिट्री और पीएसी की जनपद में कल से यहाँ पर कैंप करेंगी और रेंज से भी फोर्स आएगा जिसकी अलग से ब्रीफिंग की जाएगी। आईजी रेंज महोदय द्वारा भी कल ब्रीफिंग की गई विशेष तौर से पश्चिम लखनऊ क्षेत्र की, और मेरे द्वारा भी आज कई थानों का भ्रमण कर त्यौहार रजिस्टर देख पुलिस प्रबंध और जो हमारी QRTs और क्लस्टर्स बनेंगी उसका मुआयना किया गया है। लगभग 13 बड़े रिजर्व रेडी रहेंगे जनपद मुख्यालय पर जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटेंगे। हम लोग प्रत्येक थाने पर QRT रखेंगे, COs के पास भी QRTs रहेंगी। 260 के लगभग क्लस्टर मोबाइल हल्का और चौकीवार बनी हैं जो भ्रमणशील रहेंगे। इस तरह एक वृहद हम लोगों ने इसमें बुकलेट भी बनाई है, ड्यूटी बुकलेट, और सबको ब्रीफ किया गया। उम्मीद है गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह त्यौहार सफल संपन्न होगा। पुराने लखनऊ में कुछ शरारती तत्वों को चिन्हित वगैरह आईडी सही से निरंतर पूरे जनपद स्तर पर चलता रहता है चिन्हीकरण का कार्यक्रम, उस हिसाब से हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी करते रहते हैं। धन्यवाद भैया, एक गुड वर्क। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।